मॉर्निंग कैसे हो आप सभी। तो मैं आपको बता दूं, जो मैंने वीडियो बनाई थी 10th पास जॉब को लेकर के, उसको लगभग हज़ारों लोगों ने देखा और मैं बैठ करके उसके कमेंट्स पढ़ रहा था। ठीक है, तो मैंने अधिकतर कमेंट्स ये देखे कि जो मैं हेल्पर के बारे में, जॉब के बारे में बताया कि दुबई फैक्ट्रीज़ में आप हेल्पर का काम कैसे कर सकते हो, उसके बारे में मैंने बताया था थोड़ा बहुत। बट लोगों ने कमेंट किया कि भाई आप उस पर डिटेल वीडियो बनाओ कि अगर हमको हेल्पर का काम करना हो दुबई में तो हम बेसिकली कैसे कर सकते हैं, अभी के टाइम पर 2022-23 में कितनी सैलरी मिल जाती है एज अ स्टार्टिंग में। ठीक है, काफ़ी सारे लोग हैं जो मतलब किसी फाइनेंशियली प्रॉब्लम की वजह से ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाए। ठीक है, मैं आपको बता दूँ, ये काम आप आराम से 10वीं के बाद आराम से कर सकते हो। आप अगर 18 साल से ऊपर हो तो आप ये काम आराम से कर सकते हो। ठीक है, दुबई में। और अभी हम बात कर लेते हैं बेसिकली इस जॉब को करने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स की जरूरत पड़ेगी फैक्ट्रीज़ में। ठीक है, हेल्प फैक्ट्रीज़ में क्या क्या ज़रूरतें लगती हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है जॉब के लिए, सारी चीज़ें मैं आपको कंप्लीट बता देता हूँ। 2-2.5 मिनट की वीडियो है, ध्यान से देखो, सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट की बात करें तो देखो, हेल्पर के जॉब में सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि काम थोड़ा ज़्यादा पड़ता है स्टार्टिंग में। ज़्यादा का मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा, मतलब एज ए हेल्पर के तौर पे आप काम करते हो, जैसे पैकेजिंग हो गया, एज अ क्लीनिंग हो गया, एज अ बहुत सारे काम हो सकते हैं, हेल्पर में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं, तो इसमें आपको सैलरी काफ़ी अच्छी मिलती है और काफ़ी ज़्यादा ओटी भी मिलता है, ओवर टाइम भी काफ़ी ज़्यादा मिलता है। तो इसमें आपको सैलरी अगर बात करें तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट जो बेसिक सैलरी होती है वो 40 से 45 हज़ार रुपये स्टार्टिंग में आप कमा सकते हो। ओटी भी मिलती है तो आप ओटी भी कर सकते हो, उससे आप और अधिक भी पैसे कमा सकते हो। तो हेल्पर में बेसिकली इतनी मिल जाती है। रिक्वायरमेंट की बात करें तो इसमें मेडिकल परफेक्ट हो, आपका कोई शरीर में कमी ना हो। सेकंड चीज, आपके ऊपर किसी टाइप का केस या क्राइम ऐसा कुछ ना हो, ये चीज़ें आप ध्यान देना। ठीक है, ये चीज़ें हैं बस हेल्पर का काम करने के लिए। और फिजिकली थोड़ा फिट रहो, क्योंकि फिजिकल फिटनेस काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है, ऐसा ना हो कि बहुत दुबले पतले हो आप, तो ये चीज़ें ध्यान देना। थोड़ा खाने पीने पे ध्यान देना, शरीर को बेहतर बनाओ, फिटनेस काफ़ी ज़्यादा जरूरी है अभी के टाइम पे, अपने लिए भी भाई और जॉब के लिए भी दवाई जरूरी है ही है। ठीक है, फिर मतलब नेक्स्ट वीडियो में कोई डाउट हो तो कमेंट करो और ऐसे ही वीडियोज़ चेकआउट करो, मेरे चैनल पर काफ़ी सारे मिल जाएंगे। तो बाय बाय, नेक्स्ट डे।